हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम फिर से दोस्तों साइंस में फिजिक्स से संबंधित जो हमारा पार्ट चल रहा था उस सीरीज को मैं आगे लेके जा रहा हूं। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर के 350 यानी 301 से लेकर के कुल 350 क्वेश्चन तक आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोग 6 सीरीज में ये सभी पार्ट को खत्म कर चुके हैं और ये होगी आपकी सीरीज नंबर 7। तो जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज को जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसका कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में है और आप अपडेट होकर के अपने आप को भी अपडेट हो कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग नए हैं, अगर आप हमारे पीडीएफ नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.study91.org। वहां जाकर के आप हमारे नोट्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी दी जाती है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा कि हमारी कौन सी क्लास कब अपलोड होती है। और एक आखिरी निवेदन आप सभी से, किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो बस ईमानदारी से आप अपना साथ दो, आप अपना फर्ज निभाओ। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, जो आपको पढ़ाने का फर्ज है वो मैं निभा रहा हूँ, और आप अपना फर्ज निभाओ जो एडवर्टीजमेंट देखने का है, ठीक है। तो प्लीज़ उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन 301 नंबर का ये है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, भारी जल जिसको हम लोग D2O बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या फिर ग्रेफाइट, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल और कहाँ पर होता है, तो पेंसिल वगैरह में भी ग्रेफाइट होती है, ठीक है, वही वाली ग्रेफाइट है, दूसरी नहीं। तो D2O और ग्रेफाइट, इन दोनों का इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। अलग अलग क्वेश्चन बनता है यहां से दोनों, और दोनों उत्तर आपके लिए एक साथ दे दिया तो याद रखेगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, ब्रीडर रिएक्टर किसको कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिए ब्रीडर रिएक्टर दे रहा है यहां पर कि जिससे विखंडन होने वाले पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, बस यही गलत कर दिया। दूसरा है जो केवल हैवी वाटर प्रयोग में लाता है, तो यह भी गलत हो गया। जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, इसीलिए तो ब्रीडर रिएक्टर इतना फेमस होता है, ठीक है। तो याद रखिए ब्रीडर रिएक्टर की खासियत होती है कि विखंडित होने वाले पदार्थ को उससे भी अधिक उत्पन्न करके दिखाता है जितना कि वह जलाता है। अगर उतना ही उत्पन्न करेगा तो फिर मतलब क्या निकलेगा, ठीक है। तो ब्रीडर रिएक्टर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है। भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या होमी जहांगीर भाभा, या राजा रमन्ना, या कस्तूरी रंगन? कस्तूरी रंगन कमेटी यहां कहां से दे दिया, चलिए मैं इसका आपको उत्तर बताता हूँ। आप सभी को लगेगा होमी जहांगीर भाभा या अब्दुल कलाम, और दोनों उत्तर यहाँ पर गलत हैं दोस्तों। आप याद रखिए राजा रमन्ना संबंधित हैं अणु बम से, किससे संबंधित हैं, अणु बम से संबंधित हैं राजा रमन्ना, याद रहेगा आपको, जी हाँ इसको याद रखिएगा। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था, अगर जिन लोगों ने पोखरण मूवी देखा होगा उन लोगों को कम से कम एक क्वेश्चन फायदे में आ गए होंगे, ठीक है। उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, याद आया आपको, स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा जो ये परीक्षण हो रहा था, और ये परीक्षण जो है दुनिया की खुफिया एजेंसियों से छिपा करके किया गया था, ये भी याद रखिएगा। पोखरण द्युति का परीक्षण कब किया गया, द्युति पोखरण का, तो ये किया गया था दोस्तों 11 मई 1998 को, कब किया गया था 11 मई 1998 को। दूसरा पोखरण पड़ता है राजस्थान में। मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए कि पोखरण किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है, याद होगा, ठीक है। और पोखरण मूवी वाकई बहुत 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 ज़बरदस्त मूवी है, देखना चाहिए, कभी भी मूवी से थोड़ा प्यार रखा करिए, क्योंकि मूवी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है, इस वजह से ये ज़रूर देखा करें। मुझे पोखरण की स्टोरी तो केवल उसकी मूवी से समझ में आ गया कि किस तरह से चीज़ें हुई थी उस जमाने में। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है उसकी लाभप्रदता या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी किस पे, तो याद रखिए दोस्तों कह रहा है कि संसाधित न्यास की गुणता पर यानी क्वालिटी पर, या सॉरी संसाधित न्यास की मात्रा पर यानी कि क्वांटिटी पर, किस पर निर्भर करती हैं। और तीसरा दर न्यास के संसाधन की गति पर, तो संसाधन की गति नहीं लेकिन गुणता और मात्रा, इन एक मिनट नहीं सर, न्यास की एक मिनट, गुणता भी दे रहा, क्वालिटी और क्वांटिटी से देखिए लोगों को मतलब नहीं होता। जैसे आप ही को कोई सामान परचेज करना होता तो आप क्या जाते हो, क्वान्टिटी पर जाते हो या पहले क्वालिटी पर जाते हो, तो पहला चीज़ होता है क्वालिटी, तो ये तो एकदम मस्ट है, ठीक है। और दूसरा क्वान्टिटी से आपको कोई मतलब नहीं होता, हाँ न्यास की जो संसाधन की गति है उस पर भी डिपेंड
डिपेंड करता है उसकी लाभप्रदता। क्यों? क्योंकि अगर संसाधन की गति कम होगी, ठीक है, और ज़्यादा होगी, तो ये जो है उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर ए और सी, दोनों हो जाएगा। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है, या हाइड्रोजन न्यूक्लियस का है? ठीक है, किसका अधिकतम होता है? तो याद रखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है दोस्तों, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अपेक्षा ज़्यादा होता है। किसका? तो यह नियन फन नितिन सर याद रखेगा, ठीक है, तब आप नहीं भूलेंगे। इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, आगे देखिए। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है क्या? विशिष्टता है भाई, जल्दी से बताइए इसकी विशिष्टता। तो कह रहा है कि प्रेषित संकेत की आवृत्ति मॉड्यूल यानी, और प्रेषित संकेत का वेग, या दूरदर्शन स्क्रीन के भौतिक आयाम, या चित्र नलिका का आकार। तो याद रखें दोस्तों, जो दूरदर्शन है ये किसी भी चैनल की अगर बात करेगा, टीवी चैनल की अगर बात करे, तो वहाँ पर आवृत्ति को ही टिक किया करिए, ये एक कॉमन चीज़ है। ठीक है, अगर आप इतनी बात जानते हैं तो फिर आप हर जगह सही करेंगे। ठीक है, अगर दूरदर्शन यहाँ ना दे करके टाटा स्काई दे देता, उसके माध्यम से किसी और चैनल का नाम दे देता, तो भी यही उत्तर होता, कुछ बदलता नहीं, आवृत्ति ही उत्तर होती। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, जरा ये बताइए। तो एक माइक्रोन अगर एमएम में पूछ रहा है तो याद रखेगा 0.001 mm होता है। कितना होता है? 0.001। ठीक है, याद रहेगा आपको, एक माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर एमएम में जाना है आपको। ठीक है, आगे है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का तो ग्राहम बेल ने किया था। अरे टेलीफोन, माइक्रोफोन, यही है, ग्राहम बेल। ठीक है, पता होगा आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा सी वाला। आगे, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए उपयुक्त उपकरण क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः प्रोड्यूस करने के लिए, तो दोस्तों डिक्टेशन है, तो डिक्टेशन का मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पर डिक्टाफोन ही होगा। देखिए, कभी कभी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं जो अपने आप में कठिन होते हैं, लेकिन आप उसको पढ़िए और ध्यान से याद रखिए। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा डिक्टाफोन राइट आंसर। ठीक है, डिक्टाफोन ये थोड़ा सा अलग था और ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज जाते हैं इस प्रश्न में कि यार क्या उत्तर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ओहो, जबरदस्त क्वेश्चन दिया भाई, बताइए जल्दी से। अब मतलब, अरे आप लीवन हाक करने जा रहे हैं या कोच करने जा रहे हैं? गलत है। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं किया था, इसकी खोज किया था नोल और रुश्का ने। किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था नोल और रुश्का ने, याद रहेगा, नोल रुश्का। आगे, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तीन सुमेलित है और कोई एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं। तो मैनोमीटर से मापा जाता है दाब, ये सही है। ठीक है, आंतरिक दहन इंजन कार्बोरेटर जो कि गाड़ियों में होता है, ये भी सही है। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति, ये भी सही है। सिस्मोमीटर से पृष्ठ तल की वक्रता, ये गलत है। तो सिस्मोग्राफ जानते होंगे आप लोग, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका सही। आगे, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो आपको पता होगा, जॉन लोगी बेयर्ड, यही नाम था ना, पूरा नाम था इनका, जॉन लोगी बेयर्ड, याद रहेगा आपको। तो ये हो जाएगा जे एल बेयर्ड, सी वाला है। बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहले किसने बनाई थी? उनका नाम था वर्नर वॉन ब्रान। क्या नाम था? वर्नर वॉन ब्रान, याद रहेगा। वाह वाह वाह, तो बैलिस्टिक मिसाइल, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, मान लो बैलिस्टिक मिसाइल को देख के आप क्या बोलते हो? वाह वाह वाह, तो वाह वाह वाह, तो वर्नर वॉन ब्रान। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे करके बना करके। टैकियान से तात्पर्य क्या है? टैकियान, टैकियान किसे कहते हैं? तो याद रखिए, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण जो चलते हैं उनको टैकियान कहा जाता है। ये अपने आप में थोड़ा सा अलग प्रश्न है, प्रकाश गति से तीव्र गति वाले जो कण होते हैं उनको कहा जाता है टैकियान, याद रहेगा टैकियान। आगे, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता पूछ दिया भाई नाभिकीय रिएक्टर के, चलिए बताइए जल्दी से। उनका नाम था फर्मी, क्या नाम था? फर्मी, याद रहेगा। एनरिको फर्मी, क्या नाम था? एनरिको फर्मी, जिन्होंने नाभिकीय रिएक्टर की खोज किया था। विद्युत सेल बदलता है, किसको बदलता है, किसको चेंज करता है? तो विद्युत, प्रकाश विद्युत सेल है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बस यहीं से कन्वर्ट कर लिए, देख के कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है प्रकाश विद्युत सेल, तो बी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसको एक दिश धारा में कौन सा चेंज करता है यहाँ पर? तो याद रखिए, अल्टरनेटर, क्या बोलते हैं उसको? अल्टरनेटर, यह क्या करता है? अलग अलग आने वाली युक्तियों को एक जगह भेज देता है। अल्टरनेटर क्या होता है?
अल्टरनेटर याद रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सी वाला। आगे देखिए हाइग्रोमीटर, ये आपको पढ़ाया गया हाइग्रोमीटर, जल्दी से बता दीजिए क्या होने वाला है। हाइग्रोमीटर हाइग्रो बताया था, ग्रो ग्र पे ऐसे बनता है, तो आर्द्रता, तो देखिए जहाँ पर आर्द्रता बस वहीं टिक कर लीजिए, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर, नमी को। आगे भारी जल किसका ऑक्साइड होता है, तो ड्यूटोरियम का होता है, D2O, तभी तो इसका होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। आगे हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, हाइड्रोजन बम, तो वर्नर ब्राउन बाण ये जो थे ये तो अभी हमने पीछे देखा ना, वाह वाह वाह, बैलिस्टिक मिसाइल के लिए था, ठीक है, तो ये तो होंगे नहीं, सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन बम याद रखे दोस्तों विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने, ठीक है, और बम बनाकर एकदम अपना ट्रेलर बना दिया, ठीक है, तो एडवर्ड ट्रेलर, वर्ड यानी पूरे विश्व के लिए एक ट्रेलर था क्या ये हाइड्रोजन बम, तो याद रखिएगा एडवर्ड ट्रेलर ने हाइड्रोजन बम बनाया था। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है, क्या इसका एप्लीकेशन क्या होता है थर्मोस्टेट का, तो याद रखिए तापमान को स्थिर रखने के लिए, थर्मो, थर्मो माने क्या होता है थर्मामीटर, समझा ना, थर्मा, तो थर्मा का मतलब होता है तापमान, और स्टेट का मतलब होता है स्थिर करना, यानी तापमान को स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। राडार का प्रयोग आता है किसमें, राडार को लिखते हैं RADAR, रेडियो एंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म होता है इसका, तो रेडियो डिटेक्शन, तो याद रखें यहाँ पर जो रेडियो तरंगे हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने में सहायक होता है राडार, ठीक है। राडार और सोनार दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है, सोनार जो होता है वो साउंड होता है, उसको साउंड बोलते हैं सोनार, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, और रेडियो को होता है कि रेडियो एंड डिटेक्शन लग रहा होता है, इसमें राडार होता है, ठीक है, तो याद रखिए सोनार जो होता है पानी वाली जहाजों के पास होता है, जबकि राडार जो होता है ये वायुयानों के पास होता है, याद रखिएगा। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, ये भी आपको दो तीन बार पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, तो याद रखिए एकदम रटने वाला क्वेश्चन है सब, है 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड की बात कर रहा है, ठीक है, तो −34 जूल सेकंड याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा आपको 10⁻³⁴ इतना याद रखिए, बाकी इधर का हो जाता है, 666 मत करेगा, 6.63 याद रहेगा। चलिए थोड़ा सा ध्यान करिए, ये सब रटने वाला चीज़ है, अब इसका कुछ रास्ता भी नहीं है। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था, प्रक्षेपास्त्र का, ये अच्छा क्वेश्चन दे दिया, तो याद रखिए वर्न, अरे वही का नाम हिंदी में दे रहा है यार, बैलिस्टिक मिसाइल का, ठीक है, WWW, वाह वाह वाह, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल का ही दे रहा है, ठीक है, वर्न वान ब्रान हिंदी में लिख दिया, प्रक्षेपास्त्र, डर जाओ। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, साइक्लोट्रॉन क्या करता है भाई, तो याद रखिए आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करता है साइक्लोट्रॉन, क्या करता है, ये जो आवेशित कण होते हैं उनको ऊर्जा प्रदान करने की एक युक्ति, एक साधन है, ठीक है, साइक्लोट्रॉन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, ये तो एकदम बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सभी को लगभग इसका उत्तर पता होगा, गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार, गैलीलियो ने, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी जहाँ पर वायुमंडल नहीं है वहाँ पर प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3×10⁸ मीटर/सेकंड, मीटर, किलोमीटर देगा तो और बढ़ा लीजिएगा इसको, ठीक है, तो याद रखिए ये 3×10⁸ मीटर/सेकंड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर। आगे देखिए एक खगोलीय इकाई औसतन दूरी कितनी होती है, एक खगोलीय इकाई की औसतन दूरी, तो याद रखिए खगोलीय इकाई पहले बोलते किसको है, तो याद रखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को दोस्तों, इसी दूरी को माना जाता है एक खगोलीय इकाई, और दूरी है कितनी, तो 15 करोड़ किलोमीटर है, हमारे सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है 15 करोड़, एक औसतन दूरी बता रहा हूँ 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, तो याद रखिए इसी को खगोलीय दूरी कहा जाता है, ठीक है। और प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफायर का, तो याद है कि रेक्टिफायर हमेशा एसी को डीसी में बदलता है, ध्यान रहेगा आपको एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर, क्या करता है एसी को डीसी, याद रखिएगा पहले ए बाद में डी, क्योंकि ए को एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है, रेक्टिफायर। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, वायरलेस का मार्कोनी ने किया था, किसने किया था मार्कोनी ने किया था वायरलेस का आविष्कार, वायरलेस, अरे जो वो पुलिस वाले लोग लेके बोलते नहीं हेलो हेलो, और किस कंपनी ने किया था, तो ये भी बता दो, सबसे पहले मोटरोला कंपनी ने बनाया था इसको, ठीक है। आगे कार्बोरेटर का इस्तेमाल क्या होता है, जो कि गाड़ियों में लगता है कार्बोरेटर, उसका इस्तेमाल क्या होता है, तो पेट्रोल के साथ हवा को मिक्सित करने का काम होता है कार्बोरेटर को, और यही दहन होकर क्या बनता है ऊर्जा जनरेट करता है, तब तो गाड़ी चलती है, तो कार्बोरेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना इसका काम होता है। आगे है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया, किसने दिया था चतुर्थ आयाम का परिचय, तो याद रखिए इसको दिया था आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था चतुर्थ आयाम का परिचय, ठीक है, और अभी भी इस पर काम चल रहा है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है,
स्ट्रोबोस्कोप, फोटोमीटर, स्टेथोस्कोप होता है दोस्तों, अरे जो कान में ऐसे डाल के चलते हैं ना ये चेक करने के लिए रोगियों को, वही होता है स्टेथोस्कोप, याद रहेगा आपको। तो यहाँ पर बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आगे रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट मैंने बताया था आपको यानी तापमान को नियंत्रित करना, तो कह रहा है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, अरे कहीं भी थर्मोस्टेट होगा तो उसका काम ही क्या है, उस टेम्परेचर को सामान्य बनाए रखना, ठीक है, चाहे जहाँ भी लगा होगा। आगे है निम्न सॉरी अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपको छोटे छोटे समयों को मापना है तो क्या करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए होती परमाणु घड़ियाँ, क्या होती हैं, क्वार्ट्ज घड़ियाँ, तो ऐसे सामान्य घड़ियाँ होती हैं, परमाणु घड़ियाँ होती हैं जो छोटे छोटे समय को इंगित करती है, ठीक है, नैनो सेकंड को मापती हैं। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जो गलत है उसको बताना आपको, करा 1 किलोमीटर बराबर 10^3 मीटर, तो देख लो ना 10^3 मतलब क्या हो गया, 10 × 10 × 10, तो 10 × 10 बराबर 100 × 10 बराबर 1000, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यानी ये वाला सही हो गया। 1 गीगामीटर कितना होता है, गीगा में 9 होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है, मेगा में 6 होता है, ये भी पता है। माइक्रोमीटर दोस्तों ये गलत दे दिया, माइक्रोमीटर ये गलत दे दिया, तो यहाँ पर याद रखिएगा माइक पे 6 होता है, तो यहाँ पर याद रखेगा -3 नहीं होगा माइक्रोमीटर में, ये डी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे गैसों के आंशिक दाब का नियम किसने प्रतिपादित किया, गैसों के आंशिक दाब का नियम, तो गैसों के लिए आंशिक दाब का नियम दिया था डॉल्टन ने, किसने दिया था, डॉल्टन ने, जी हाँ, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और गलती मत यहाँ भी करिएगा, डॉल्टन ने दिया था। आगे महासागर में डूबी हुई, अभी पीछे बताया हूँ सोनार टेक्नोलॉजी, साउंड नेविगेशन एंड ड्रेंजिंग, बताया ना सोनार, वही है यहाँ पर, ठीक है, तो सोनार टेक्नोलॉजी है, सिंपल क्वेश्चन है यार, पूरा पढ़ने क्वेश्चन जरूरत ही नहीं। पायरोमीटर निम्नलिखित में क्या करता है, पायरोमीटर तब होता था, पायरो मतलब बहुत अधिक टेम्परेचर को मापने वाला जो होता है उसको पायरोमीटर बोलते हैं, और आर्द्रता है तो क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा, वायुदाब है तो क्या हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता है तो क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा, ठीक है। आगे है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था, ये अच्छा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो याद रखें विलियम हेनरी, क्या नाम था, विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे के साथ नोबेल पुरस्कार जीता था, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था, तो चंद्रशेखर ने दिया था, इसलिए यहाँ पर चंद्रशेखर सीमा का भी आपने नाम सुना होगा ब्लैक होल के मामले में, ठीक है। चलिए आगे देखिए गलत संयोजन को चिन्हित कीजिए, 3 सही है और कोई एक यहाँ पर गलत है। पहला कह रहा है कि जे एल बेयर्ड यानी जान लोगी बेयर्ड ने बनाया था टेलीविजन, ये सही है। जे पार्किंसन पेनिसिलिन गलत है दोस्तों, और जेम्स वाट ने स्टीम इंजन, एम जी बेल ने यानी ग्राहम बेल ने टेलीफोन, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा पेनिसिलिन वाला, ठीक है। आगे वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ध्वनि तरंगों, समुद्र की गहराई को मापना है ना, तो दोस्तों ऐसे में सोनार का इस्तेमाल कर लो आप, ठीक है, सोनार से आप कुछ खोया वो भी मिल जाएगा, गहराई का भी पता चल जाएगा, तो बी वाला हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले दिखाया था दोस्तों ऑरस्टेड ने, किसने दिखाया था, ऑरस्टेड ने सबसे पहले बताया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। चलिए आगे है विल्हेम रॉन्टजन, रॉन्टजन का नाम जहाँ कहीं भी आए, एक्सरे मशीन का निर्माण इन्होंने किया था रॉन्टजन, हाँ पूरा नाम विल्हेम है, ये थोड़ा सा ध्यान देगा, उनको तो रॉन्टजन याद था, ठीक है, तो एक्सरे याद रखेगा। आगे हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था, तो राइट ब्रदर, सही काम किया भाइयों ने, ठीक है, राइट ब्रदर ने किया था हवाई जहाज़ का आविष्कार। और पाजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये किया था एंडरसन ने, किसने किया था, पाजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, 50-50 क्वेश्चन की सीरीज अगर आपने ज्वाइन किया, 500 क्वेश्चन अगर आप फिजिक्स में अपने अच्छे से तैयार कर लिया और केमिस्ट्री में, तो जान लो कि आप एग्जाम में अच्छा पार्टिसिपेट कर पाओगे, साइंस के क्वेश्चन को लेकर के नहीं होगी गलतियां, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो जरूर से इस सीरीज को पढ़िएगा। जो लोग नए हैं डिटेल में आकर के वीडियोज़ को देखें, क्योंकि इधर भी हमारी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं सिलेबस को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है, समय निकाल करके जो भी समय बन रहा है बच रहा है उसमें मैं आपको क्लासेज इस तरह के वनलाइनर पढ़ा करके या फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज दे दे रहा हूँ, ताकि आपकी क्लास बंक ना हो, ठीक है। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग नए हैं आप लोग प्लेलिस्ट में प्लीज़ आइएगा और वहीं से आकर के डिटेल में सभी विषय पढ़ाकर ख़त्म कर दिए गए हैं, हिंदी पूरी समाप्त हो गई है, बायोलॉजी पूरी समाप्त हो गई है, ठीक है, 90% तक आपका पॉलिटी समाप्त हो चुका है, एंशियंट हिस्ट्री पूरा समाप्त हो चुका है, मिडावल हिस्ट्री पूरा समाप्त हो चुका है, 75% तक मॉडर्न हिस्ट्री भी आपकी समाप्त हो चुकी है, इसके अलावा ज्योग्राफी की टू दी पॉइंट सीरीज चल रही है जिसके माध्यम से पूरी ज्योग्राफी तो तैयार लगभग हो ही गई है, ठीक है, तो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है सब तैयार हो चुके हैं, बाकी जीएस का डोज प्रैक्टिस सेट अगर इसको आप देख लेते हो तो मजबूत हो जाएगी आपकी पढ़ाई, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का सिलेबस यहीं पे एंड होता है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो शेयर जरूर से करिएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच।